हेलो गाइस, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर फिजिक्स का, जो कि है चैप्टर 10, दैट इज प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन। प्रकाश प्रवर्तन और अपवर्तन जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश, ऐसे कहा जाए तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है और जो कि वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग धूप में निकलते हैं तब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को गर्मी लगने लगती है। इसका मतलब क्या होगा कि हीट मिल रहा है हम लोग को। हीट मीन्स एनर्जी। और इस प्रकार प्रकाश एक एनर्जी है। और क्या बोलते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं कि रात में हम लोग को दिखाई नहीं देता है, पर जब हम लोग सुबह देखते हैं कि सूर्य की रोशनी में हम लोग को सारी चीज़ें दिखाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य का जो प्रकाश होता है या कोई भी लाइट जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। इस प्रकार से प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का एक प्रकार है और वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। तो दूसरा है हमारा प्रकाश किरण, लाइट रे। अक्सर हम लोग देखते हैं कि छत वगैरह में या गांव में कहीं पे छेद रहता है तो या खिड़की से हमेशा जो लाइट रहता है वो सीधा आता हुआ प्रतीत होता है, जिसे हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश जो होता है एक सीधा रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश किरण जो एक सरल रेखीय पथ पर गमन करता है ऐसा प्रतीत होता है, उसे ही हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए। फिर प्रकाश पुंज, दैट मीन्स बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब ढेर सारे प्रकाश किरण एक साथ एक सीध में चलते हैं तो उस पूरे ग्रुप को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं, दैट इज बीम ऑफ लाइट। तो गाइज, आगे हम लोग जानेंगे आधुनिक क्वांटम सिद्धांत, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है क्या। तो एज वी नो दैट कि प्रकाश जो होता है ना वो ड्यूअल नेचर दिखाता है। कभी यह तरंग का नेचर को दर्शाता है, कभी यह पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो प्रकाश के इन दोनों जो गुण हैं ना, उनके गुणों के बीच जो सामंजस्य बैठाया गया है, इसमें ना प्रकाश को ना तो कण माना गया है और ना ही प्रकाश को तरंग माना गया है। तो ये दोनों जो गुण हैं ना, उनके बीच सामंजस्य बैठाया गया है, इसे आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं या मॉडर्न क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका आप डेफिनेशन जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर फटाक से उतार लीजिए। तो गाइज, हम लोग नेक्स्ट जानेंगे प्रकाश का विवर्तन। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है और जब प्रकाश किरण जब गुजरता हुआ रहता है तो इसके बीच में जब अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु जब कोई आ जाती है ना, तो प्रकाश सीधा रेखा में ना जाते हुए प्रकाश जो होता है उसके किनारों से मुड़कर होता हुआ जाता प्रतीत होता है, जिसे हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अगर लाइट किरण जा रही है और यहाँ पे एक बहुत छोटी सी वस्तु आ जाती है, एक पार्टिकल आ जाता है, तो ये जो प्रकाश है ना फिर किनारों से ऐसे मुड़ करके फिर चला जाता है। तो इसे जो इस प्रक्रिया जो होती है इसे हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश जब किसी वस्तु या सतह से टकरा करके वापस लौटता है तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन, और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है गाइस आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चित्र, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यह स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग, ये जो आपका प्लेन सरफेस, जैसा कि मैंने कहा था प्लेन सरफेस ये सतह या पृष्ठ है और यहाँ से जो है रे आ रहा है और यहाँ से फिर टकरा करके वापस लौट रहा है, तो इसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं और इसे हम लोग रे ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो एंगल यहाँ पर बनता है, जो एंगल यहाँ पे बनता है इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये जो इधर साइड में जो एंगल बनता है जो रे रिफ्लेक्ट होता है उसके बाद, तो उस एंगल को हम लोग कहते हैं आर। और ये जो बीच में जो आपका है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन बिंदु, और ये जो आप एज्यूम करते हैं ये आपका है अभिलंब, इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि प्रकाश परावर्तन क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसके आगे हम लोग फिर देखेंगे इसके नियम जो होते हैं, कौन कौन से इसमें नियम है, क्योंकि प्रकाश किरण जब रिफ्लेक्ट होता है तो उसमें जो बिंब बनता है उसके बहुत सारे रूल होते हैं और कुछ सर्टेन रूल हम लोग बताएंगे। अभी यहीं पर रोकते हैं इसे।